आदरणीय सभापति जी, आप तो स्वयं किसान पुत्र हैं। इस देश के किसानों के साथ क्या बीती है, ऊपर के कुछ एक वर्ग को संभाल लेना और उन्हीं से अपनी राजनीति चलाए रखना, यही सिलसिला चला। इस देश की कृषि की सच्ची ताकत छोटे किसानों में है। एक एकड़ दो एकड़ भूमि का वो व्यय मुश्किल से 80-85% इस देश का ये वर्ग है। इन छोटे किसान उपेक्षित थे, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया। छोटे किसानों को फॉर्मल बैंकिंग के साथ जोड़ा। आज साल में 3 बार सीधे पीएम किसान सम्मान निधि छोटे किसान के खाते में जमा होती है। इतना ही नहीं, हमने पशुपालकों को भी बैंकों से जोड़ा, हमने मछुआरों को बैंकों से जोड़ा और उनको ब्याज में रियायत देकर के उनके आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाया ताकि वो अपना व्यवसाय विकसित कर सके, अपने क्रॉप पैटर्न को बदल सके, अपने उत्पादित किए हुए माल को रोक करके उचित दाम मिलने पर बाजार में ले जा सके। उस दिशा में हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं हमारे देश के बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो बरसाती पानी पर उनको गुजारा करना पड़ता है। सिंचाई की व्यवस्थाएं पिछली सरकारों ने की नहीं। हमने और देखा है कि ये छोटे किसान पानी बरसाती के भरोसे जीने वाले, मोटे अनाज की खेती करते हैं, पानी होता नहीं है। ये मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को हमने विशेष स्थान दिया। हमने यूएन को लिखा कि मिलेट ईयर मनाइए, दुनिया में भारत के मोटे अनाज की एक ब्रांडिंग बने, मार्केटिंग बने और उसके सुविचारित रूप से अब उस मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में, जैसे श्रीफल का महात्मा है वैसे ही श्री अन्न का महात्मा बने और छोटे किसान जो पैदावार करते हैं उनको उचित दाम मिले, ग्लोबल मार्केट मिले, देश में क्रॉप पैटर्न में परिवर्तन आए। और इतना ही नहीं, ये मिलेट सुपर फूड है, पोषण के लिए बहुत बड़ी ताकत है। हमारे देश के नई पीढ़ी को पोषण की समस्या के समाधान में भी ये काम आए, जो मेरे छोटे किसान को भी मजबूत करेगा। हमने फर्टिलाइजर में भी अनेक नए विकल्प डेवलप किए हैं, उसका भी लाभ मिल रहा है।